The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्वेटिंग की, पसीना आने की। क्या वो एक सीरियस बीमारी का इंडिकेशन है या सिर्फ आपको गर्मी लग रही है, और क्या क्या कारण हो सकते हैं पसीने के, और वो एबनॉर्मल पसीना को कब सीरियसली लेना है, कब डॉक्टर के पास जाना है। आज इन सारी बातों को ध्यान से समझेंगे। सो इस चैनल को अगर आपने अब तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आगे बातचीत करते हैं स्वेटिंग के बारे में। सो देखो, स्वेटिंग मतलब क्या है, उस समय आपकी बॉडी के अंदर त्वचा में आपके कुछ स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, यहां से लिक्विड और जिसमें नमक भी होता है वो निकलता है, जिसको हम स्वेट बोलते हैं। तो ये एक प्रोसेस को हम मेडिकल भाषा में परस्पिरेशन या इंग्लिश में परस्पिरेशन भी बोल सकते हैं। स्वेटिंग से आपकी बॉडी को ठंडा रखने में मदद होती है, इट हेल्प्स कूल योर बॉडी, ठीक है। सो ये गर्मी में काफी कॉमन है, प्लस ये आपके आर्म्स में, पैरों में और पाम्स ऑफ हैंड में काफी कॉमनली देखे जाते हैं। और वाई डू यू स्वेट, कितना स्वेट होता है ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी के अंदर कितने ग्लैंड्स मौजूद है, ये जो स्वेट ग्लैंड्स हैं कितने मात्रा में आपके, और हर एक में जेनेटिकली अलग अलग मात्रा में स्वेट ग्लैंड्स हो सकते हैं। लोगों में नॉर्मली 2 से 4 मिलियन स्वेट ग्लैंड होते हैं आपके अंदर, जो फुल्ली एक्टिव होते हैं प्यूबर्टी के टाइम, आपके जब हॉर्मोन ग्रोथ स्पर्ट होता है। मेल्स में स्वेट ग्लैंड थोड़े ज्यादा एक्टिव होते हैं, इसलिए उनको पसीना ज्यादा आता है, उनकी पसीने की स्मेल भी ज्यादा आती है, और इसीलिए उनको भी एक्ने उस पूरे शरीर पे भी आ सकते हैं। फीमेल्स में वो लोकली कुछ एरियाज में सीमित रहते हैं, और इसीलिए जब प्यूबर्टी के टाइम पे वो ग्रोथ स्पर्ट होता है तभी ज्यादा एक्ने आते हैं, स्वेट ग्लैंड एक्टिव भी तब होते हैं। स्वेटिंग जो है आपके बॉडी के ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यानी आपके कंट्रोल में नहीं है, ऑटोमेटिक कंट्रोल में होती है। एक आपके बॉडी का, आपके ब्रेन का एक पार्ट है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो आपके कंट्रोल से बाहर है। तो स्वेटिंग रेगुलेट करता है आपके बॉडी के कई सिस्टम्स को, बेसिकली टेम्परेचर रेगुलेशन में सबसे बड़ा रोल है उसका। सो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए स्वेटिंग एक आपके हथकंडा है आपके बॉडी का। So, क्यों होगी स्वेटिंग? अगर आप गर्म एनवायरनमेंट में हैं तो शरीर को ठंडा रखने के लिए स्वेटिंग होगी। एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बॉडी के अंदर बहुत हीट जनरेट होगी, उसको ठंडा करने के लिए स्वेटिंग होगी। अगर आप कभी बहुत गुस्सा है, एम्बेरस्ड है, डर गए हैं, तो ऐसे सिचुएशंस में भी आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, स्वेटिंग होगी। और आप कई बार आपके जब मेंसेस खत्म हो जाते हैं, मेनोपॉज हो जाता है, तो हॉट फ्लशेस नाम की चीज, उसमें भी हैवी स्वेटिंग हो सकती है। सो मेनोपॉज के बाद भी हैवी स्वेटिंग हो सकती है। इसके अलावा दारू, अल्कोहल लेने से भी स्वेटिंग बढ़ सकती है, कैफीन लेने से स्वेटिंग बढ़ सकती है, कैंसर्स के वजह से स्वेटिंग बढ़ सकती है, कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम, किसी भी प्रकार का दर्द अगर ज्यादा है तो स्वेटिंग हो सकती है, कोई भी इमोशनल टर्मोइल, कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उसके वजह से स्वेटिंग हो सकती है, असेंशियल हाइपरहाइड्रोसिस, ये ऐसी बीमारी है कि और कोई कारण नहीं है मगर बस पसीना आता जाता है कुछ लोगों के हाथों से, और बहुत ही ज्यादा पसीना आता है, हाइपरहाइड्रोसिस। उस टॉपिक पे अलग से डिटेल वीडियो हमारा है, ऑलरेडी हमने बताया एक्सरसाइज में, और बुखार जब उतरता है तब भी बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, क्योंकि फीवर आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाता है, बॉडी का मैकेनिज्म है टेम्परेचर कम करने के लिए, स्वेटिंग होती है। तो पहला सबसे बड़ा इंडिकेशन है टेम्परेचर, दूसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक एक्टिवेशन। इसके अलावा ऑब्वियसली इन्फेक्शंस भी आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाएंगे। लो, अगर ब्लड शुगर आपका लो हो जाता है, शुगर लो हो जाता है, तब भी पसीना ज्यादा आ सकता है। और कुछ दवाइयां जैसे कि थायराइड मेडिसिन या पैरासिटामोल, बुखार कम करने की दवाइयां, या कई बार कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए कम रिलैक्स करने वाली दवाइयों से भी पसीना आ सकता है। मेनोपॉज हमने ऑलरेडी कवर किया, मेंसेस खत्म होते हैं, स्पाइसी फूड, गस्टेट्री स्वेलिंग जिसको, स्वेटिंग जिसको बोलते हैं, स्पाइसी फूड खाने से कुछ लोगों को स्पाइसी फूड खाने के बाद पसीना आता है, गर्मी पैदा होती है, पसीना आता है, वार्म टेम्परेचर और विड्रावल फ्रॉम अल्कोहल, सेडेटिव या नार्कोटिक या पेन किलर, उसके वजह से। तो ये सारे कारण हो गए स्वेटिंग के। सीरियस कारण भी हो सकते हैं, हार्ट अटैक जैसे, राइट, हार्ट अटैक में भी स्वेटिंग आती है, हार्ट फेलियर में भी स्वेटिंग आती है, सर्कुलेटरी फेलियर में भी स्वेटिंग आती है। अगर स्वेटिंग आपको होती है, ज्यादा होती है, तो आप क्या करेंगे? आपको सबसे पहले तो पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि नमक और पानी का लॉस हो रहा है स्वेटिंग से, तो आपको पानी खूब पीना है, इलेक्ट्रोलाइट वाला पानी पीना है। आप स्पोर्ट्स ड्रिंक ले सकते हैं, एनर्जी ड्रिंक नहीं, स्पोर्ट्स ड्रिंक इज ऑलवेज सेफर, नॉट एनर्जी ड्रिंक, एंड दैट हैज टू बी टेकन इफ यू आर स्वेटिंग अ लॉट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, या अगर आप एक्सरसाइज 1 घंटे से ज्यादा कर रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं 1 घंटे से ज्यादा, देन यू टेक अ स्पोर्ट्स ड्रिंक विद और या फिर इलेक्ट्रोल, ORS, नारियल पानी, या सिंपल पानी, नमक वाला पानी, नींबू पानी, सब चलेगा। लोअर बॉडी टेम्परेचर, अगर आपका टेम्परेचर बहुत हाई है, गर्म हो इन्वायरमेंट में हो, तो कैसे भी करके अपना पसीना, अपना बॉडी टेम्परेचर कम कर दो, ताकि आपकी बॉडी जो है स्वेट ना करे, वाटर लॉस ना हो ज्यादा,
राइट, प्लस यू कैन वॉश योर फेस और बॉडी इफ योर यू नो सॉल्ट फ्रॉम स्वेट इज ड्राइड ऑन योर स्किन, कई बार वो स्किन रफ हो जाती है तो वो भी आप धो सकते हैं। कब आपको स्वेटिंग को सीरियसली लेना है, अगर पसीने के साथ आपको छाती में कोई भी एबनॉर्मलिटी होती है, छाती में दर्द है, छाती में धड़कन धक धक कर रही है, दबाव आ रहा है, कोई भी प्रेशर या पेन है चेस्ट में या गले में, आपको पाउंडिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, दैट नीड्स टू बी चेक्ड। फीवर है, रैपिड या पाउंडिंग पल्स है, दैट नीड्स टू बी चेक्ड। आपका अगर पसीने के साथ आपका वेट लॉस हो रहा है, रेगुलर पसीना आ रहा है, वेट लॉस हो रहा है, इट माइट बी कैंसर और कुछ और ओवर एक्टिव थायराइड प्रॉब्लम, कोई थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपका स्वेटिंग ज्यादा हो रहा है, ज्यादा लंबे पीरियड तक हो रहा है, बिना किसी कारण के हो रही है, स्टिल यू नीड टू गेट इट चेक्ड। और अगर आप बहुत बहुत स्वेट कर रहे हो, नींद में स्वेट कर रहे हो, रात को स्वेट कर रहे हो, देन ऑल्सो यू नीड टू कॉल अ डॉक्टर या गो टू अ डॉक्टर। ठीक है, आपके केस में आपको पता होना चाहिए कि बॉडी के अंदर 2 से 4 मिलियन स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जो कलेक्टेड डक्ट से कनेक्टेड होते हैं। अगर आप बिना एक्सरसाइज के भी पसीना आ सकता है, और स्वेट जो होता है पसीना 99% पानी, 1% सॉल्ट और थोड़ा सा फैट भी होता है, और ये स्वेट जो है जैसे ही आता है वैसे ही वो इवेपोरेट होने लगता है। ठीक है, और रेगुलरली स्वेट इज अ वे थ्रू विच यू लूज वॉटर इन द बॉडी, याद रखें। सो When your body becomes overheated, आप ज्यादा स्वेट आएगा, बड़ी ऑब्वियस सी चीज है, तो स्किन कूल करने के लिए वो उसका मेन काम है। अगर आप डर जाते हैं, नर्वस होते हैं, या कोई जान का खतरा होता है, कोई शेर आ जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो आपको पसीना बहुत आता है डर की वजह से। आपके पाम सोल्स वो स्वेट कर सकते हैं, कई लोगों के हाथ और पैरों में ज्यादा स्वेटिंग आती है। कई बार अगर वजन आपसे नहीं उठ रहा, डर लगने लगता है, तब भी ऐसा हो सकता है। सो स्वेटिंग के लिए ये सारे चीजों को ध्यान में रखें, और अगर आपको कोई डाउटफुल स्वेटिंग हो रही है तो तुरंत अस्पताल जाके अपना चेकअप कराएं। अस्पताल जाते हुए दौड़ के ना जाएं, किसी को कहें साथ में ले जाएं, क्योंकि अगर हार्ट की प्रॉब्लम है तो दौड़ना, चलना या कोई भी ऐसी स्ट्रेसफुल एक्टिविटी आपके हार्ट के ऊपर और डेंजरस है। तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि जिनको पसीना आता है वो इसका फायदा उठा पाए। थैंक यू सो मच, ऐसे ही कई सारे वीडियोज हमारे चैनल पर, चेकआउट करें डॉक्टर एजुकेशन। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।